नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई सारे भाई लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। भाई राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। इसका साफ साफ एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है, जो इन दिनों कुरुक्षेत्र से जिन्हें सांसद की टिकट मिली, नवीन जिंदल, देख सकते हैं कि ये चीज़ उन पर खास दस्ती है। नवीन जिंदल लगातार जुमले करते जा रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी ने को तो लोग जुमलेबाज कहते हैं, विपक्ष के लोग मोदी जी को, कि मोदी जी तो जुमले करते हैं, लेकिन अब उनके सांसद भी जुमले करने लगे हैं। नवीन जिंदल जुमले करते नजर आए। कुछ दिन पहले उन्हें बोरियां उठाते हुए देखा गया, कभी वो कुछ करते हुए नजर आते, कभी वो कुछ करते हुए नजर आते। यानी एक बिजनेसमैन, एक करोड़पति आदमी कभी बोरियां उठाते हैं तो कभी कुछ करते हैं, यानी वो जुमले करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में काफ़ी सवाल मन में है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के साथ उठने बैठने लगे। अरे भाई, पहले कहाँ थे आप? चुनाव के समय जब आपको वोटों की जरूरत होती है तो आप पाँव में पड़ जाते हैं लोगों के, उसके बाद में आप राजा बन जाते हो और लोगों पर गोलियां चलवाते हो, लाठी चलवाते हो। आप पहले कहाँ थे? अगर आपको इतनी ही सोचनी है गरीब आदमी की या किसानों की, तो आप 2000 करोड़ संपत्ति के मालिक है, आप कुछ थोड़ा ध्यान तो कीजिए। आपने क्या कभी किसी को दान किया है? आपसे अच्छा तो सुभाष चंद्रा है जो अपनी संस्था चला रहे हैं। आप थोड़ा दान तो कीजिए। ये जुमले करने से क्या होगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। यानी इस प्रकार की हरकत करना, मीडिया में अटेंशन लेना, ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? मेरे दर्शक ही बताएंगे कि भैया ये क्या है जो लगातार जुमलेबाजी करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तो हिसार, सोनीपत, पानीपत एरिया के अंदर तो भाई भाजपा सांसदों को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। कल ही हिसार के अंदर रणजीत चौटाला को रोक लिया गया, किसानों ने घुसने ही नहीं दिया। कहीं पर तो घुसने नहीं दिया जा रहा, कहीं पर ये जुमलेबाजी करते नजर आ रहे हैं भाजपा के सांसद की टिकट जिन्होंने मिली है। वहीं पर क्या करोड़ों के मालिक नवीन जिंदल ने लोगों के अंदर अनाज बांटा है, लोगों को अनाज दिया है, क्या लोगों का भला किया है? आज वो वोट मांग रहे हैं आपसे हाथ जोड़कर, कभी बोरा उठा रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। क्या वो जनता की भलाई के लिए अभी तक उन्होंने कुछ किया है? वो दल बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं। काफ़ी समय से कांग्रेस में रहा जिंदल परिवार, लेकिन आज बीजेपी में चले गए तो जुमले शुरू हो गए। इसको लेकर आप अपने विचार कमेंट करें। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूँगा। लाइक शेयर करें इस वीडियो को। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज़। जय हिंद साथियों।